अरे अरे गाइस, टाइटल प्लेट ना गलत नहीं है। आप लोगों को तो पता ही है ना यार कि मैं कितनी बड़ी फूडी हूँ, और ये मोहतरमा भी कुछ कम नहीं है, और खाना बनाने भी ना मैं एकदम परफेक्ट हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसीलिए तो आज हमने डिसाइड किया नहीं कि खाना बनाने में कम्पीट कर लेते हैं। तो गाइस, आप लोग ना ज्यादा कंफ्यूज मत हो, हमारा कॉन्सेप्ट है ना बिल्कुल क्लियर है। हम लोग बढ़िया बढ़िया डिशेस ट्राई करेंगे और उनको अपने किचन में रिक्रिएट करेंगे, वो भी अपने स्टाइल में। तो अब गोलगप्पे ले आओ जरा, दे दो यार, है ना, भूख लगी है। तो गाइस, ये सब देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बनाने वाले हैं, मैं एकदम ऐसी परफेक्ट गोलगप्पे बनाने वाली हूँ। मतलब मुझे बोलने ना देना कि गोलगप्पे बनाने वाले। चुप रह यार तू, अपनी तारीफ है, अपनी तारीफ खा लेते। यार दीपाली, गोलगप्पे खा के ना मुझे कोविड से पहले वाले टाइम याद आ गया। सड़क किनारे जब भैया अपने हाथों से गोलगप्पे खिलाते थे ना, उसका स्वाद ही कुछ और होता था। और वो एक्स्ट्रा पापड़ी यार, वो तो खाने में ना मजा ही आ रहा था। तो गाइस, आप लोग बताओ कमेंट में कि आप लोगों ने गोलगप्पे खाने के बाद एक्स्ट्रा पापड़ मांगी है क्या? इन लोगों ने तो दी नहीं है। यार पापड़ वापड़ छोड़, जल्दी जल्दी कर ले क्या, मुझे बहुत थकावट हो रही है। गोलगप्पे खाने के बाद इतना सैड कौन होता है और कौन थकता है, क्या हुआ तुझे? यार वो रिसेंटली ना शिफ्ट हुई हूँ मैं, मूव इन हुई हूँ नए घर पे, तो 3-4 दिन से ना ढंग से सो ही नहीं हूँ। यार मैं तो ना घोड़े बेच के सो रही हूँ, मैंने ना अभी अभी मैट्रेस चेंज किया है, डर्फी लिया है। डर्फी? हाँ, डर्फी का हेम सीड इंफ्यूज्ड मेमोरी फॉर्म मैट्रेस है, सुपर सॉफ्ट। ये अल्ट्रा फ्रेश टेक्नोलॉजी है, ऊपर से एंटी बैक्टीरियल, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व करने में हेल्पफुल है। यू शुड ट्राई इट। भाई ये तो सही रिकमेंड कर दिया तूने ना। बिल्कुल सही यार। भाई बस करेगी? बस 2 मिनट ना। सो गाइस, अब हम गोलगप्पे का डो बनाएंगे, मतलब कि उसका आटा गूंदेंगे। और हमारे पास अभी है सूजी, आटा, ऑयल, नमक और पानी। आटा थोड़ा कम रखना गाइस, हम सिर्फ उसके डो को थोड़ा यू नो थिक बनाने के लिए कर रहे हैं। इसने ना आटा इतना ज्यादा मिला लिया डो के अंदर, वो ना बनेगा ही नहीं परफेक्ट, मैं अभी गारंटी ले सकती हूँ इस चीज की। तो गाइस, हमारा डो तैयार हो गया है, इसको हम 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़ा और नरम हो जाए। और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, गोलगप्पे का पानी। तो पहले हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे, मैं पुदीना डाल रही हूँ। गाइस नमक स्वाद अनुसार, पसीने छूट गए इस लड़की छोड़ते नहीं छोड़ते। तेरी तरह हट्टी कट्टी नहीं हो ना मैं। मेरा हो गया, मुझे लग रहा है कुछ बहुत ही टेस्टी बनाने वाली हूँ आज मैं। अब मैं चलती हूँ, तू लगी रहे, ठीक है? वो मैं वेस्ट नहीं करना चाहती ना, इसलिए सारा नींबू का रस निचोड़ रही हूँ मैं। सो गाइस, हमारे पानी का पेस्ट रेडी हो चुका है, तो अब हम पानी बना लेते गोलगप्पे का, और उसके अंदर की स्टफिंग भी बनाएंगे आलू और चने से। ठीक है, तो अब हम इसको इसके अंदर डालने वाले हैं और छानने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास छन्नी नहीं है। पता है बेटर तरीका है, इससे ना मसाले पूरी तरह से निकल जाते हैं पानी से। ओ वाओ, नाइस। आप देख रहे हो कि जैसे मैंने आलू और चने का पेस्ट यहाँ पे बना लिया है, अब इसमें मैं थोड़े थोड़े मसाले डालूंगी, मिर्च और थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक भी डाल लेती हूँ, थोड़ा सा चुटकी भर के धनिया पाउडर। जितने अच्छे से तू ये बता रही है ना कि मैं ये डाल लेती हूँ वो डाल लेती हूँ, काश इतने अच्छे से तेरे गोलगप्पे भी बन जाए। बन जाएंगे बच्चा, बन जाएंगे। अब देखिए मेरा पेस्ट रेडी हो गया है। तो गाइस, मैं शादी के लिए रेडी हूँ, आप देख ही रहे हो, और सबसे ज्यादा भीड़ जो है ना वो मेरे स्टॉल पे लगी गोलगप्पे जो मैं इतने अच्छे बनाने वाली हूँ। कपड़ा दे दे यार प्लीज। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे मिर्च। भाई पानी में कितना मिर्च डाल रही है, ऐसा लग रहा है पेस्टल कलर उठा के डाल दिया, और टोमेटो सूप लग रहा है, पानी पूरी का पानी नहीं लग रहा। ये है धनिया पाउडर लास्ट। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी बूंदी डाल देते हैं। नमक नहीं डाला ना?
कितना कम पानी बनाया है यार इसने, इतना कम पानी तो ना लोग भैया पानी देना बोल के पी जाते हैं। मैं अपने आलू की स्टफिंग बना रही हूँ जो कि गोलगप्पे में हम यूज करेंगे। यार इसने पानी में भी इतनी मिर्च डाली एंड मैं देख रही हूँ ये आलू और चने के पेस्ट में भी मिर्च डाली जा रही है। बेचारा टेस्ट करने वाला यार। तो मेरा स्टफ जो था आलू और छोले का वो भी कंप्लीट हो गया है। अब मेन, अब हम पूरी तलेंगे गोलगप्पे बनाएंगे। गोलगप्पे तलेंगे गाइस, चलो गोलगप्पे बनाएंगे। गाइस यार जलन हो रही है मुझे, इतने परफेक्ट गोल गोल गप्पे कैसे बना रही है? इतना परफेक्ट गोल तो मैं कंपास से नहीं बना सकती। टैलेंटेड लड़की। मट्टी है एक्चुअली, नमक वाली मट्टी नहीं होती। तो गाइस मेरे गोल गप्पे बन गए और ये यहाँ पे ना मट्टियाँ बनी है जो दिवाली पे लोग नहीं खाते सच में मट्टियाँ। तो अब टेस्टिंग करवाते हैं। लुक वाइज तो डेफिनेटली ये वाले हैं, फटाफट से खा के देखते हैं। लेट्स ट्राई दिस, पहले इसमें से देखते हैं कि फूलाव कौन सा है। ये वाला फूलाव है। ठीक है, थोड़ा नमक ज़्यादा है और ये समझ नहीं आया मैंने क्या खाया। इट टेस्ट लाइक डाइजेस्टिव बिस्किट होते हैं ना जैसे, ये वाला भी ट्राई करते हैं। ये होता है भाई परफेक्ट गोलगप्पा। भाई कितनी मिर्च है। तो आई थिंक सो अब मुझे फाइनल डिसीजन देना है। तो आलू और गोलगप्पा इधर से और पानी इधर से। तो आई थिंक सो मेरे हिसाब से दोनों का टाई है। स्पाइसी तो नहीं है और ये भी कोई डाइजेस्टिव बिस्किट नहीं लग रहा। तो गाइस आज हमारा पनिशमेंट का कोई सीन नहीं है क्योंकि पनिशमेंट तो किसी को नहीं है। तो आज ये टाई है, बट तुझे अभी भी मुझसे गोलगप्पे बनाने सीखने की जरूरत है और तुझे मुझसे गोलगप्पे का पानी सिर्फ मिर्ची कम डालने की जरूरत है मुझे। एंड गाइस डर्फी का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो प्लीज जाके चेकआउट करो क्योंकि इट्स स्पेशली डिजाइन फॉर इंडियन बैग। इट हैज कॉटन कैनी मेमोरी फोम व्हिच कीप्स योर बॉडी कूल। वैसे उसका ऑनेस्ट रिव्यू हमारे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, तो जाओ और अभी फॉलो करो और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और यार शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी है और सब्सक्राइब टू लिट फॉर ऑल थिंग्स लिट।